रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 29 मई की सुबह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना ने रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल का SU-30 MKI फाइटर जेट से परीक्षण किया। सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत का ये मिसाइल परीक्षण दुश्मन को चिंता में डाल देने वाला है। परीक्षण के दौरान मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्रो स्टेशन की जांच की गई। फ्लाइट डेटा कई स्टेशनों पर तैनात रडार से मिलाया गया। ये ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान और डिपो को उड़ा सकती है। इस मिसाइल की ताकत के बारे में बताएं तो ये मिसाइल दुश्मन की तरफ 6,791 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ये हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई भी रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम या किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता है। इस मिसाइल की तुलना रूस की खतरनाक मिसाइल KH-31PD से की जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इसी मिसाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। रुद्र M2 मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है और इसे बनाया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। इसकी लंबाई 18 फीट होती है। ये करीब 155 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया गया है। रुद्र M2 की रेंज 300 किलोमीटर है। ये अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। सबसे खतरनाक तो इसकी गति है। ये ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें INS और सेटनेव गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है, साथ ही पैसिव रडार होमिंग सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूरी भी अगर ये गिरती है तो ये पूरी तरह से टारगेट को ध्वस्त कर देगी। भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट, AMCA और TED-BF फाइटर जेट में इसे लगाया जाएगा। फिलहाल ये MiG-29, मिराज, जैगुआर और सुखोई विमानों में तैनात होने के लायक बनाई गई है। इस मिसाइल के मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। ये बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो और एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को बर्बाद कर सकती है।